बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही अहम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को इस दवाई से फ़ायदा भी हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स पर अपनी राय का इजहार करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। आज की वीडियो में जो नुस्खा बताऊँगी वो है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, वज़न ज़्यादा जिनका हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए नहायत उमदा छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही कारामद है। तो ये जानते कि आपने क्या चीजें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं नुस्खा बताने वाली हूँ जिनका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनको कम करने का भी आसान नुस्खा है और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनके लिए भी नहायत उमदा नुस्खा है। छोटा सा आपके किचन में वो चीज़ें मौजूद हैं, वो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो आपके किचन में मौजूद है। ये आपने ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। वो कैसे ये मैं बताती हूँ आपको और क्वान्टिटी भी बताऊँगी कि कितनी क्वान्टिटी में आपने लेना है। और इसके साथ धनिया, देखिए ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, इससे आप एक खाना तैयार करते हैं। खाना बनाते हुए आप ये समझ रहे होंगे कि हम एक हंडिया तैयार कर रहे हैं खाना बना रहे हैं पेट भरने के लिए, मगर नहीं, आप एक गजा तैयार कर रहे होती हैं जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बीमारियां दूर हो रही होती हैं। इसमें जो है आपके वजन में कमी भी होती है और आपके जो है बहुत ज़्यादा जिनकी चर्बी बढ़ जाती है उनके लिए भी आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक दवा है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, किचन आपका सबसे बड़ा एक दवा खाना है। तो आप अगर ये समझ कर बनाए कि अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए आप प्यार से खाना बना रहे हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा चीज़ है। जो लोग इस बीमारी में मुबतला हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है और जिनका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप इन चीजों को कम करने के लिए आपने धनिया और जीरे का इस्तेमाल करना है। इन दोनों को आपने हम वजन लेना है। हम वजन लेकर आपने इसको पाउडर बनाकर आधी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद आपने जरूर खाना है। और जीरा जो है आपने ये थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद आप पाउडर बनाकर अपने पास रखें, जब खाना खाने लगें तो अपने सालन के ऊपर डालकर जीरा जरूर खाया करें क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोनों चीजों का आपने पाउडर बनाकर खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है सादे पानी के साथ, और ये आप तीनों टाइम खाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका वजन में कितनी हद तक कमी आ गई है। दो तीन महीने आप लगातार खा लेते हैं तो ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, इसका बहुत ही फायदा है। और बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, उनका बहुत ज्यादा वजन भी कम हुआ और उनके जो है बहुत ज्यादा पेट लटके हुए थे वो भी कम हुए, और जिन लोगों का बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा शदीद जिनके तकलीफें थी, सर दर्द था, वो सब बीमारियां धनिया और जीरे से खत्म हुई। तो आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सारी सर्दी गर्मी कर सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस्तेमाल करवाएं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर मैं धनिया और जीरे के फ़ायदे बताने लगूं तो मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और इनकी अफादियत ख़त्म नहीं होगी, इतने ये फ़ायदेमंद दोनों चीज़ें हैं। आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ये जो मर्ज़ आपको बढ़ा हुआ है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बार बार नहीं होगी आपको ये तकलीफ अगर आप खाने के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे। और खाने में जब हंडिया बनाएं तो इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप एक चम्मच डालती हैं तो दो चम्मच धनिया के डाल दें, जीरा एक चम्मच डालती हैं दो चम्मच डाल दें, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें तो आपका खाना मज़ेदार भी बनेगा और आपको फ़ायदेमंद भी और गज़ाइत से भरपूर आपका ये जो है खाना तैयार हो जाएगा और आपके घर वाले जो हैं बहुत ही मज़े से खाएंगे भी और उनको फ़ायदा भी होगा। दवा की दवा और खाने का खाना, देखिए कितना अच्छा मैंने आपको नुस्खा बताया, छोटा सा और बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है। आप इस्तेमाल कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और चलते चलते मैं छोटी सी बात आपको भी बताना चाहूँगी, अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी और पहुंच से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए अपनों से, प्यारों से मोहब्बत करें, उनसे जो है बहुत जो है उनके खाने का ख्याल रखें, उनके जो है बहुत ज़्यादा उनकी जो है केयर करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। इन्हीं बातों का, छोटी छोटी का ख्याल रखेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।